हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। केरला में अनगिनत मंदिर हैं, उनकी अनोखी कारीगरी उनको एक अलग सम्मान देती है और हर मंदिर के पीछे एक अलग कहानी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम उनमें से एक है। इस मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु हर साल आकर्षित होते हैं। यह मंदिर भारत देश का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और साथ ही सबसे अमीर मंदिर भी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास आइए जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में बहुत सी शैली का मिश्रण किया गया है। देसी केरला शैली और द्रविड़ शैली का संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह तमिलनाडु के पास में स्थित है। इसकी ऊंची दीवारें 16वीं सदी में बनी है जो मन को लुभाती हैं। अनंतपुरम मंदिर में दिखाई देता है जो कि अधिकेश्वर पेरुमल मंदिर कन्याकुमारी में है। दुनिया का सबसे धनी मंदिर में से एक है। अपार धन संपत्ति सोना चांदी हीरे जवाहरात के लिए इस मंदिर ने दुनिया में इतिहास रचा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर के राज परिवार के शासक थे। उस समय शासन कर रहे त्रावणकोर के महाराज मूल तिरुनल रोमावर्मा श्री पद्मनाभ दाता के रूप में मंदिर के ट्रस्टी थे। वे भगवान पद्मनाभ के दास थे। इस मंदिर में हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। प्रवेश के लिए विशेष वेशभूषा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विभिन्न हिंदू मूल के ग्रंथ ब्रह्मपुराण, मत्स्यपूर्ण, वरहपूर्ण, स्कंदपूर्ण, पद्मपूर्ण, वायुपूर्ण, भगवतपूर्ण और महाभारत का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर तमिल साहित्य के 500 बीसी से 300 एडी के बीच के संगम का दौर है। कई साहित्यकार इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। अपनी अथाह धन संपत्ति के लिए यह मंदिर अकल्पनीय है। 9वीं सदी के तमिल साहित्य व कविताओं और संत कवि नामालवर के अनुसार यह मंदिर और साथ ही शहर में सोने की दीवारें हैं। कुछ स्थानों के में साथ ही मंदिर और शहर के अंदरूनी भागों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। मध्यकालीन तमिल साहित्य और सिद्धांतों तमिल अलवर संत ने कहा, यह मंदिर प्रमुख 108 धार्मिक स्थलों में से एक है और इसके दिव्य प्रबंध की महिमा देखते ही बनती है। इस मंदिर के दिव्य प्रबंध की महिमा मलाईनाडु के 13 धार्मिक स्थलों में से एक है। 8वीं सदी के संत कवि नामालवर पद्मनाभा की महिमा गाते थे। अनंतपुरम मंदिर कासारगोड का विश्वास सिर्फ मंदिर के मूल स्थानम में था। पंडित विल्वा मंगालातु स्विंगर जो अनंतपुरम मंदिर के पास रहते थे कासारगोड जिले में, उन्होंने जिन्हें विष्णु जी की खूब प्रार्थना की और उनके दर्शन प्राप्त किए। उनका मानना था कि विष्णु एक छोटे नटखट के रूप में आए थे और उस बालक ने पूजा की मूर्ति को दूषित कर दिया। इससे पंडित जी गुस्सा हो गए और बालक का पीछा करने बाहर गए, जबकि वह बालक गायब हो चुका था। बहुत ढूंढने के बाद जब वो अरबी समुद्र के तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक पुलाया महिला की आवाज़ सुनी जो अपने पुत्र से कह रही थी, वह उसे अनंता कद्दू में फेंक देगी। उसी क्षण स्वामी ने अनंता कद्दू शब्द सुने तो आनंदित हो गए। फिर स्वामी ने उस महिला से पूछकर अनंता कद्दू की ओर प्रसन्न किया। फिर से वहां पहुंचकर बालक की खोज करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वह बालक इलुपा वृक्ष में विलीन हो गया। फिर वह वृक्ष नीचे गिरा और अनंता सयाना की मूर्ति बन गई, किंतु यह जरूरत से ज्यादा बड़ी बन गई, जिसका सर तिरुवल्लुम में, नभी तिरुवनंतपुरम में और उनके चरण कमल त्रिपदापुरम में, और जिनकी लंबाई कुल 8 मील बन गई थी। पंडित जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्हें अपना रूप छोटा करने को कहा। उसी क्षण भगवान ने अपने आप को 3 गुना सिकोड़ लिया। वर्तमान में जिस रूप में मंदिर विराजमान है यह वही रूप है, किंतु भगवान पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि इलुप्पा वृक्ष उसमें बाधा बन रहा था। पंडित ने भगवान को इरुमुखम, इरुवुदल और इरुपदम इन तीनों भागों को देखा। स्वामी ने प्रार्थना करके पद्मनाभ से माफी मांगे। स्वामी ने राइस कांजी और उरुपमंगा
खोबरे के कवच के अंदर पुलाया महिला से प्राप्त करके भगवान को अर्पण किया, जिस स्थान पर पंडित को भगवान ने दर्शन दिए कुपकारा पोटी और कुरुवा पोटी से संबंधित है। उस समय शासन कर रहे राजा और वहां के ब्राह्मणों ने साथ मिलकर मंदिर का निर्माण कार्य संभाला। कुपकारा पोटी मंदिर की तंत्री बन गई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उत्तर पश्चिम में अनंताकदु नागराजा मंदिर स्थित है। स्वामी की समाधि पद्मनाभ मंदिर के बाहर पश्चिम में स्थित है। समाधि के ऊपर श्री कृष्ण मंदिर है। यह मंदिर तिरुवल विल्वामंगलम श्री कृष्ण स्वामी के नाम से जाना जाता है, जो कि त्रिशूर नादुविल मधुम से संबंधित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें आई जानते हैं। त्रावणकोर शाही मुकुट मंदिरों में रखा है। भगवान विष्णु यहाँ के प्रमुख देव हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के और त्रावणकोर के शासक भी। यह मुकुट 13वीं सदी के त्रावणकोर के राजा का है और शाही परिवार के सदस्य उनकी और राज करते हैं। यह शाही मुकुट हमेशा त्रावणकोर मंदिर में सुरक्षित रहता है। इस मंदिर का निर्माण सम्मिश्रित है, द्रविड़ और देसी केरला के शैली से बना हुआ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो केरला का कोई मंदिर इतना बड़ा नहीं है, जिनमें से कईयों की ढलान वाली छत है, जिनकी कुछ कहानियां भी हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली से बहुत प्रभावित होते हैं। इसमें से बहुत से मंदिर पास के राज्य तमिलनाडु से प्रभावित हैं। इस मंदिर में लंबे समय से नृत्य चलता आ रहा है। इसके सहारे से बिना किसी की मदद से पद्मनाभ मंदिर का खजाना दूसरे सभी खजानों से अधिक है। 2011 में इस मंदिर का तहखाना खुला था, जिसमें इतना धन निकला कि यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। इसके पहले मुगल खजाना $90 बिलियन का सबसे बड़ा खजाना था। लक्षद्वीपम त्यौहार, यह त्यौहार इस मंदिर में हर 6 साल के बाद तानूरी में मनाया जाता है। यह इस मंदिर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसमें हजारों लाखों दिए मंदिर में जलते हैं। इसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह फेस्टिवल 12 भद्रोप एपमस का अन्न होने का संकेत देता है। इस दिन पद्मनाभ नरसिम्हा और श्री कृष्ण की तस्वीरों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।